खबर रायपुर से है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ हुई रेप के मामले में पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, विधानसभा थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची से उसके ही मामा ने 10 दिन पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया था, और इसके बाद जब बच्ची के माता पिता विधानसभा थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस के जवानों ने उन्हें धमकाया और एफआईआर भी दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार और कॉलोनी के लोग शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। पीड़ित परिवार ने घटना की पूरी जानकारी एसएसपी आरिफ शेख को दी है, और साथ ही थाना टीआई एफआईआर दर्ज न करने और डराने धमकाने की शिकायत भी उनसे की है। इसके बाद एसएसपी आरिफ शेख ने विधानसभा टीआई अश्विनी राठौर को तत्काल बुलाकर जांच करने का आदेश दिया है। ये 10 दिन पुराना मामला है, हमारे दोनों बच्चों के साथ रेप किया गया उसके मम्मी के मामा ने, और ये शिकायत लेके हम लोग विधानसभा थाना गए तो थाना पे उल्टा मम्मी पापा को डराया गया, अगर इस ऐसा अगर कुछ जांच में नहीं पाया जाता है तो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। एसपी ने बोले कि इसकी तत्काल मैं कार्रवाई करवाता हूँ और विधानसभा थाना प्रभारी को यहाँ बुलवाया हूँ और मुआवजा के लिए और कार्रवाई करने के लिए भेजे हैं। हम चाहते हैं कि एक बच्ची नहीं, ऐसे तीन चार मामले दर्ज हैं, तो तीनों चारों मामलों की जांच हो और कार्रवाई कठोर होना चाहिए, और हमारे जो बहनों के खिलाफ जो अपराधी लोग हैं मारपीट करते हैं उनकी सुनवाई पुलिस नहीं करती है तो उनकी भी सुनवाई हो। विधानसभा थाना क्षेत्र की महिलाएं आई थी, उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, इस संबंध में थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।